नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हम लोग फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची में हैं, धोने वाले रांची में हैं, और यहाँ पे एक इलाका पड़ता है मोराबादी का इलाका। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए शाम को बैठकी का, अड्डेबाजी का की जगह है ये मोराबादी। और यहाँ पे हम लोग आए तो हमको एक दिलचस्प चाय की दुकान दिखाई दी। क्यों दिलचस्प लगी ये हम आपको थोड़ी देर बाद में बताते हैं। और यहाँ की चाय बहुत फेमस हो रही है। यहाँ पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं यहाँ आते हैं, बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। और इस तरीके के ये कुल्हड़ जो हैं मैंने यहीं रांची में ही पहली बार देखे हैं इस किस्म के। बाकी ये तो जैसे सामान्य प्रचलन में रहते हैं इस किस्म के कुल्हड़। तो हम आइए आपको बताते हैं कि चाय की ये दुकान हमारे लिए हमको क्यों दिलचस्प लगी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित कुमार जी, तो अंकित कुमार जी आप चाय की दुकान कितने समय से चला रहे हैं आप? अभी अप्रॉक्स मेरे को डेढ़ साल हो गए यहाँ पे, डेढ़ से दो साल। डेढ़ साल, कैसा हो रहा है रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स इज गुड, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है? हमारी सर एजुकेशन है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से, बीकॉम ग्रेजुएट। बीकॉम ग्रेजुएट है। उसके बाद में आपने चाय की दुकान ये इस तरीके का अड्डा खोलने का क्यों सोचा? एक्चुअली हमारा शुरुआत से पैशन था कि हाँ कुछ कर सकते हैं इसके पीछे। और ये सपना मतलब 10वीं क्लास से ही था। जैसे बड़े शहरों में हमने देखा कि कैफ़े का प्रचलन काफ़ी चल रहा है, बैंगलोर में है, सब कुछ है। तो हमने सोचा कि रोड साइड कैफ़े ही बनाते हैं इसको। एक छोटी शुरुआत है, बोल सकते हैं कि हम लोग इसमें काफ़ी आगे जाने की कोशिश में हैं और जाएंगे भी। और लोगों को सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि लोगों को अच्छी चाय मिले एक अच्छे प्राइस में। सारे लोग कैफ़े को नहीं अफोर्ड कर सकते आज के दिनों में, बहुत लोग रेयरली कर सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, मेनली हमारा ग्राउंड स्टूडेंट्स का होता है, जो यंग जनरेशन है उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो ये मकसद है हमारा भी इसके पीछे। ये कुल्हड़ जो ये अजीब जो अलग किस्म का कुल्हड़ है, ये यहाँ पे रांची में पहले से प्रचलन में है या आपने स्पेशल? यहाँ पे ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी, ये बिहार में ज़्यादा प्रचलन में रही है शुरू से। अभी लंबा जो सिलेंड्रिकल, हाँ ये भी वहाँ पे शुरुआत रही है। और इसका एक बोल सकते हैं बैकग्राउंड इसका है कोलकाता से। कोलकाता में ये ज़्यादा फेमस है, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है ये सारी। और यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसी चीज़ में पीने के लिए, ताकि उनको एक ऑर्गेनिक सा फील हो। बहुत ज़्यादा लोग जुड़े रहना चाहते हैं, बोल सकते हैं कि मिट्टी है तो मिट्टी से ही जुड़े रहना चाहते हैं लोग। अच्छा, तो आपने ये जब अपना जो स्टार्टअप स्टार्ट किया था ये चाय की टपरी वाला, तो उस समय आपको क्या घर वालों ने क्या बोला कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कहाँ चाय बेचोगे? उस टाइम पे तो काफ़ी क्रिटिकल था, लोगों को मतलब समझ नहीं आया करना है क्या। ये तो आप अभी बड़ा वर्जन देख रहे हैं, अभी आप शायद 15 दिन पहले आए होते तो इसका बहुत छोटा वर्जन मिलता। कुछ आगे मेरे एक छोटी स्टॉल लगती थी यहाँ पे, बहुत सारे वो मेरा स्टडी टेबल हुआ करता था, मैंने उसको कन्वर्ट करके एक बिजनेस टेबल बना दिया था। तो मैंने उसको यूज़ किया, फिर आगे धीरे धीरे अपने आप एक्सपेरिमेंट किया लोगों से। आपने सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को अपने बिजनेस टेबल बनाया? दिलचस्प दिलचस्प। तो उस चीज़ से शुरुआत हुई हमारी। काफ़ी लोगों ने पेरेंट्स, जहाँ तक मैं सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे फादर का रहा है, उन्होंने मेरे को समझा आफ्टर 6 ईयर्स। मतलब 10वीं से ही मेरा प्लान था कुछ करने का, बट उन्होंने मेरे को समझा 6 सालों के बाद। तो इट्स गुड एनफ कि मैं लकी हूँ, 6 साल के बाद ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ शुरुआत हुई, फिर मैंने मम्मी को समझाना शुरू किया। मम्मी ने बोला क्योंकि मेरा भाई बहुत पढ़ने में अच्छा रहा है, और हमारे बिहारी फैमिली में जो लोग पढ़ने के लिए होते हैं उनको समझा था ये बहुत टॉप इंसान है। तो वहाँ से उन्होंने मेरे को बात करी और कंपैरिजन शुरू हो जाता है शुरू से ही। उन्होंने बोला कि यार घर का बड़ा बेटा ऐसे कर रहा है, छोटा बेटा भी अच्छे एजुकेशन ले रहा है यहाँ पे रांची में। जेवियर्स कॉलेज एक नामी कॉलेज है यहाँ का। वहाँ से बीकॉम करने के बाद काफ़ी प्रेशर रहा मम्मी के ऊपर। मम्मी ने बोला कि मेरे को पसंद नहीं है तेरा ये काम, तू मत कर, तेरी लाइफ सिक्योर नहीं है, सब कुछ नहीं है, मतलब इसमें तेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि माई फादर इज ऑल्स वो बिजनेसमैन थे और उनके पास अभी एग्रीकल्चर का काम करते वो, बट उनको डर लगता था कहीं उनकी जैसी मेरी लाइफ ना हो जाए। बट मेरा कॉन्सेप्ट अलग था तो लोगों को ज़्यादा पसंद आया। तो माँ को धीरे धीरे मैंने मना लिया, फिर आफ्टर 3 मंथ्स मैंने सबको देखने के लिए बुलाया कि आप यहाँ पे आइए, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो छोटे से टेबल पर मैंने देखा कि काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब मेरे से ज़्यादा जो कस्टमर्स है वो फैमिली बन गई। जितने भी आसपास में जो लोग देख रहे हैं, जितने भी मेरे कस्टमर्स देखा आपने अभी तक, वो सारे एक फैमिली है, पार्ट ऑफ फैमिली हैं। और उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे को, मतलब उन्होंने मेरे को काफ़ी इनकरेज करा। इवन बहुत सारे 50-60 के उम्र के जो अंकल थे उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, कुछ ही समझे। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि तुम जहाँ से आ रहे हो ये बैकग्राउंड तुम्हारे लिए नहीं करता है, तुम इस बैकग्राउंड में फिट नहीं बैठते हो। मैंने समझाया कि सर मेरा कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है, आई एम नॉट सेलिंग अ चाय, इट्स अ ब्रांड,
तो वो सब चीज़ें समझाई हमने, और बहुत सारी चीज़ें, दोस्तों से दोस्ती टूट गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही कि ख़त्म हो चुका है, बट दिस इज़ माई फैमिली एंड आई एम जस्ट ग्रोइंग अप। तो ये दोस्तों की आपने बात की, तो दोस्तों का क्या रिस्पांस था, मतलब सही सही बताइए। स्टार्टिंग में रिस्पांस ऐसा था कि मतलब यार क्या कर रहे हो तुम, मतलब मेरा पहला जो एक दिन पहले मैंने अपने फेवरेट, जो मेरा सबसे फेवरेट चाहिए था दोस्त था मोहित, अभी भी है, तो मैंने सबसे पहले उसको बताया कि यार, उसको मैंने एक रात में जाके अड्डे पे जहाँ पे हम लोग चाय वाय पीते थे वहाँ पे जाके उसको बताया कि यार मेरे दिमाग में ऐसा प्लान चल रहा है, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक हो, तो उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है। बस उसको यही नहीं पता था किस टाइप में मैं कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है मेरा। फिर सवेरे आए मेरे साथ, स्टॉल लगाए हम लोग, तो मेरे को बोलता है अबे यार ये क्या कर दिया तू, पागल हो गए हो तुम, अबे तुम सोचो क्या होगा तुम्हारा लाइफ, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, जितने दोस्त लोग हैं क्या बोलेंगे, मतलब उसका लिटरली यही रिएक्शन था। उसने बोला, और वो वहाँ तक पहुँच गया कि तुम अगर तेरी शादी होगी तो तेरे वो लड़की के जो माँ बाप होंगे क्या सोचेंगे। मैंने बोले यार इतना मैंने नहीं सोचा है, मुझे बस अभी करना है, जुनून है तो करना है, तो करना है, करना है बस। वो इसका ये एकदम एक्चुअल वर्ड्स थे उसके, और कुछ दिनों के बाद वो भी मान गया जब लोगों का भीड़ जुटना शुरू हुआ। काफ़ी समय लगा, स्टार्टिंग के दो दिन के बाद मेरे को, मतलब पहले दो दिन तो मेरे को लगा कि मैंने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी है, पढ़ाई, जैसे मैं पढ़ाई में हमेशा वीक था, एवरेज था, 60% वाला लड़का हूँ मैं, तो उसके बाद मैंने लोगों को समझा कि हाँ यार कैसे बिजनेस होता है। आई ऑल्सो बिलोंग टू द बिजनेस फैमिली, बट थोड़ा सा मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस का, कैसा होता है बिजनेस। दो दिन में तो लगा कि सीरियसली एक और रॉन्ग डिसीजन हो गया मेरे ऊपर कि यार मैंने क्या कर लिया, लोग नहीं आ रहे हैं, मैं, मतलब होता है ना कि मैंने डिसाइड कर लिया कि आज लगता है एंड हो गया, तो वही सारी चीज़ें मेरे को लगी कि यार बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है। पर अभी मैंने धीरे धीरे शुरुआत करना सीखा लोगों से, और काफ़ी लोग इंस्पायर करते थे कि नहीं बेटा आप अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, चलो ठीक है आप करते रहो। दूसरे दिन सबसे मस्त स्टोरी है मेरी लाइफ की, अगर वो दूसरा दिन मैं नहीं लगाता ना स्टॉल, तो उस दिन शायद गिव अप हो जाता है पूरे स्टॉल का। दूसरा दिन ऐसा था कि पहले मैं सवेरे ही लगाया करता था, तो सवेरे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। दूसरे दिन मैं सोचा कि यार कि फेड अप हो गया हूँ, चलो चलता हूँ कहीं चाय वाय पीते हैं, तो एक अपने हॉस्टल के दोस्त के हॉस्टल गया मैं, वहाँ पे मैंने बोला उसको, मेरे पास साइकिल थी, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अभी तो स्कूटी हो गई, पहले साइकिल हुआ करती थी मेरे पास, उस पर सारा सामान आ जाया करता था, तो उस पर हम गए। फिर उसको मैंने बोला ये ले मेरी साइकिल रख तू, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ, आज फेड अप हो गया हूँ मैं, और आराम से उसके बाद मैंने उसको साइकिल पूरी दे दी। तो मैंने उसको बताया कि मैं अब जा रहा हूँ घूमने, ये साइकिल तू रख, अब स्टॉल में नहीं लगाऊंगा। उसको उस टाइम नहीं पता था कि स्टॉल में लग रही है नहीं लग रही है ये सारी चीज़ें। जब उसको साइकिल पकड़ा, फिर दोबारा मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कि चलो आज शाम में लगाते हैं। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, मतलब वो लिटरली वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए, और मैंने शाम में लगाया और आई अर्न 150 रुपीज़। तो 150 रुपये मेरे लिए मोटिवेशनल थे, क्योंकि मैं रोज़ हाफ लीटर भी दूध नहीं बेच पाता था, तो दैट वाज बोलते हैं ना कि वो क्लिक था मेरे लिए कि नहीं है तुम सही जा रहे हो, बताने के लिए वो एक मोमेंट था। फिर मेरे को अंदर से लगा नहीं है अब मैं शायद सही रास्ते पे जा रहा हूँ। मैंने फिर शाम में लगाना शुरू किया, शाम के 5 से रात के 9 बजे तक, अभी भी वही टाइमिंग है हमारा। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा किक था कि वहाँ से हम लोग बहुत अच्छे शुरू करें और ग्रो करें, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला है, इवन यहाँ के जितने भी लीडर्स हैं। अभी क्या टर्नआउट है आपके इसी स्टार्टअप? अभी टर्नआउट ज़्यादा नहीं है, इट्स गुड कि मतलब दो जने आराम से निकल सकते हैं इसके साथ, और आई होप कि आने वाले दिनों में हम लोग रांची में पूरे रांची को पहले कवर करें, ठीक है, और लोगों को उनके घर पे चाय मिले और बहुत आसानी तरीके से मिले। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं बोला कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये बाहर में चल रहा है, उससे हम लोग सीख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे हम लोग भी कर सकते हैं, लोगों को सस्ती चाय और अच्छी क्वालिटी की चाय पिलाई सकती है, हमारे चाय में स्पेशलिटी होती है इसमें। एक मेरी और दिलचस्पी, मतलब ये सवाल आप छोड़ भी सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड का क्या रिस्पॉन्स था? सी सपोर्टिव, उसका मतलब ये फैक्ट है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि वो मेरे से 2 साल पहले 3 साल पहले से भी सपोर्टिव ही रही है। उसने हमेशा मेरे को इनकरेज कराया है कि तुम करो, तुम्हारा ना टैलेंट है यार, तुम कर सकते हो, मतलब शंक इनकरेज मी ऑलवेज, मतलब उसका कभी नहीं रहा है कि तुम नहीं करो या फिर मेरे को कैसा लगा। मैं आज उससे पूछता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है, कि अगर लोग बोले कि अंकित ये काम करता है, तो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका ये रिस्पॉन्स होता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, वो भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि उस साइड से मैं क्लियर हूँ। पेरेंट्स के साइड से भी फैमिली तो पूरी अपनी हो ही गई है, और फैमिली अपनी नई फैमिली बन भी गई है, और उसके साइड से भी क्लियर हूँ। अच्छा, ये बेहतर है। तो आप चाय बेच रहे हैं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना होगा, तो इंस्पिरेशन नहीं है? नहीं, मैं उस चीज़ से नहीं जुड़ता हूँ, ना अपने को जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, कभी हुआ कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है और मैं बहुत बड़ा हो गया, मतलब जो हमारी जो मैंने अपने चाय का नाम रखा द लोकल चाय,
जैसे आपका द लल्लन टॉप है तो अपने हमने रखा है द लोकल चाय, तो हमने वहाँ से सोचा हुआ है कि अगर हम कुछ सोसाइटी के लिए कर पाएँ। स्टीव जॉब का सबसे बड़ा या बोल सकते हैं धीरू भाई अंबानी का भी कोट रहा है कि आप जॉब दो, आप जॉब गिवर बनो, जॉब टेकर मत बनो। तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन है कि भाई अगर करना है तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना है, और हम लोग दे सकते हैं सोसाइटी को। और वो एक मेन चीज़ है कि आप कहीं भी सोसाइटी में रहते हैं तो आपका योगदान होना चाहिए कि आप कुछ भी करें सोसाइटी के लिए। अगर आप मिल रही सोसाइटी से तो आप ज़रूर दें। तो ये एक इंस्पिरेशन है कि हम लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करेंगे। और मैं नेक्स्ट जो दो चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रांची मेरे लिए सबसे प्यारा शहर है क्योंकि इस शहर से मुझे प्यार हो गया है। मैं 8 साल पहले आया था स्कूलिंग के लिए यहाँ पे, ग्रेजुएशन यहीं पे हुआ, सारा कुछ यहीं पे, बिजनेस में यही कर रहा हूँ। तो इस शहर को मैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, आपने देखा होगा कि यहाँ मौसम कितना अच्छा है, तो मैं इस ग्रीनरी को बचाना चाहता हूँ, एक ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहता है यहाँ पे, और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर मैं काम करूँगा। तो ये आप काम करेंगे। तो ये थे हमारे अंकित, हमारे दोस्त अंकित, जो कि यहाँ पे अपना नया स्टार्टअप खोल रहे हैं चाय बेच के। और इन्होंने ये तय किया और बड़े स्ट्रगल के साथ में इन्होंने ये जो भी खड़ा किया है इस पे इनको गर्व है। अच्छी बात है, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। और ये हमको रांची, हमको भी बहुत पसंद आया। हमको ये लगातार ये महसूस हुआ रांची के नौजवानों से मिलते हुए कि इनमें कुछ करने की ललक बहुत भयंकर है। हमने काफ़ी सारे ऐसे लड़कों से बातचीत की जो कॉलेज से निकले हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं। तो ये बेहतर लगा हमको रांची के बारे में, मतलब सिर्फ धोनी के अलावा ये भी एक पहचान हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जब हमारी बातचीत हो रही थी ने बड़ा उसका बढ़िया कारण बताया था, क्योंकि रांची अभी बढ़ रहा शहर है, तो बढ़ते हुए शहर में लोग जो हैं खुद के बढ़ते हुए अरमान लेके आए हैं। तो अच्छा लगा हमको इनसे मिलके। आप भी यहाँ पे अगर रांची में रहते हैं, अगर रांची में कभी आपको मौका मिले तो आप अंकित की चाय जरूर पीजिए, द लोकल चाय। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है राशिद। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।